Hi everyone, today in this video I will try to solve your all doubts about GeoPrime membership. And if your doubts about the GeoPrime membership does not clear, you can comment that doubt and I will try to clear it. You are watching HisarTech. Do not forget to like, comment and share this video, and if you are new to my channel then hit that subscribe button. And in the last I will tell you how to subscribe the GeoPrime membership if you want to. So let's get started. में बहुत सारे टेढ़े मेढ़े सवालों को नहीं लेने वाला हूं, कुछ बेसिक कुछ कॉमन सवाल हैं जो आपने मुझसे पूछे हैं बहुत बार या मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके मन में चल रहे होंगे, तो मैं उन्हीं के जवाब दूंगा। शुरुआत करते हैं कि आखिर ये जियो प्राइम मेंबरशिप या जियो प्राइम ऑफर क्या है। दोस्तों, जियो प्राइम को आप ये समझिए कि ये एक ऐसी मेंबरशिप है जो आपको एक साल के लिए मिलती है, जो इसकी फीस है वो है 99 रुपये, और उसके बाद में आपको बहुत सारे यहाँ पे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं जो आपको एक नॉर्मल केस में नहीं मिलते हैं। यानी कि दोस्तों, यहाँ पे जो 99 रुपीज़ आप दे रहे हैं उसके बदले में आपको कुछ नहीं मिल रहा है, लेकिन वो आपको अगले एक साल तक के लिए यानी कि 31 मार्च 2018 तक के लिए जियो प्राइम मेंबर बना देती है, जिसके बाद में आपको काफी सारे एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप कंपेयर करते हैं मान लीजिए सिंपल प्लान्स को भी, तो भी वहां पे जियो प्राइम मेंबर अगर आप हैं तो आपको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलेंगे, आपको ज्यादा डेटा मिलेगा, आपको ज्यादा वैलिडिटी मिलेगी कुछ केस में। तो ऐसे में प्राइम मेंबर बनना आपके लिए एक फायदे की बात है जो आपको मुझे लगता है कि बन जाना चाहिए। इसके अलावा जो जियो की एप्स हैं वो भी आपको अनलिमिटेड मिलेंगी, और आने वाले दिनों में कुछ कुछ तरह तरह के ऑफर्स आने वाले हैं जो होंगे जियो प्राइम मेंबर्स के लिए। दोस्तों, दूसरा सवाल ये है कि जियो प्राइम मेंबर कैसे बने और हम ये कब तक बन सकते हैं। तो ये दोस्तों आप बन सकते हैं 31 मार्च 2017 तक, बड़े ही आराम से, आपके पास में बहुत लंबा टाइम है। यहाँ पे आप माई जियो ऐप में जाके अपने नंबर पर प्राइम मेंबरशिप एक्टिवेट करवा सकते हैं, आप jio.com पे जाके ये काम कर सकते हैं, आप जियो मनी की एप्लीकेशन पे ये काम कर सकते हैं, या फिर अगर आपको खुद से समझ में नहीं आ रहा है तो अगर आप जाएंगे नजदीकी जियो स्टोर तो वहां जाके भी आप ये प्राइम मेंबरशिप अपने नंबर के ऊपर एक्टिवेट करवा सकते हैं। और आप बचे रहिए वो सभी मैसेजेस जो आते हैं व्हाट्सएप वगैरह पे टेढ़े मेढ़े की ये नया प्लान है, यहां पे जाओ रजिस्टर करो, कुछ मत ऐसा कीजिए। सिर्फ 4 ही ऑप्शन हैं, आप खुद से काम बड़े आराम से कर पाएंगे। तो प्लीज अपनी डिटेल्स कहीं पे भी किसी भी एक्सवाइजेड वेबसाइट पे जाके मत दीजिए। दोस्तों, इसके अलावा जो अगला सवाल है वो ये है कि क्या जियो प्राइम मेंबरशिप लेना कंपलसरी है। जी नहीं दोस्तों, इसके लिए कोई भी ऐसा कंपल्शन नहीं है। आप चाहें तो जियो प्राइम मेंबरशिप लें, चाहें तो ना लें। अगर आप नहीं लेंगे तो होगा ये कि 31 मार्च 2017 के बाद में जो आपको प्लान्स मिलते हैं जियो के जो आपने देखे हैं, आपको उनमें से कोई एक प्लान यूज करना पड़ेगा, आपको जो स्टैंडर्ड बेनिफिट्स हैं वो मिलते रहेंगे और आप जियो की सर्विस को यूज कर सकते हैं। अगर आप मेंबरशिप लेते हैं तो आपको यहां पे कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स वाले प्लान मिलेंगे, आप उनको रिचार्ज कीजिए तो आपको प्राइम वाले बेनिफिट्स मिलते रहेंगे। बड़ा यहां पे सिंपल सवाल है। दोस्तों, इसके बाद जो अगला सवाल है वो ये है कि अगर मैं एक अभी फ्रेश जियो का सिम कार्ड लेता हूं तो क्या मैं प्राइम मेंबर बन पाऊंगा। जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल बन पाएंगे। अगर आप अभी भी एक फ्रेश जियो का सिम कार्ड लेते हैं तो आप सिम लेते समय 99 रुपीज़ का एक रिचार्ज करवाइए, आप बन जाएंगे प्राइम मेंबर। 31 मार्च 2017 तक आपको मिलेंगे स्टैंडर्ड बेनिफिट्स जो सब यूज कर रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर ऑफर के जरिए, और उसके बाद में आप आगे चल के प्राइम वाला कोई भी प्लान ले सकते हैं। दोस्तों, यहां पे जो अगला सवाल है वो ये है कि अगर मैंने जियो प्राइम मेंबरशिप ले ली लेकिन आगे कोई भी रिचार्ज नहीं करवाया तो क्या मुझे यहां पे अनलिमिटेड कॉल्स के जो बेनिफिट है वो मिलेंगे। जवाब है जी नहीं दोस्तों। आपको कोई ना कोई प्लान अपने फोन के ऊपर रिचार्ज करवाना जरूरी है, चाहे वो एक दिन का 19 रुपए वाला प्लान हो, चाहे वो 3 दिन का 49 रुपीज वाला प्लान हो, चाहे वो एक हफ्ते का 90 रुपए वाला प्लान हो, या फिर आगे चल के आप बड़े बड़े कोई भी प्लान करवाइए, कोई ना कोई प्लान आपके फोन में होना चाहिए, तभी आप अनलिमिटेड कॉल्स को यूज कर पाएंगे। यानी कि जो कॉल्स हैं वो हमेशा अनलिमिटेड ही रहेंगी, लेकिन आपके फोन में कोई ना कोई प्लान आपका एक्टिवेटेड होना जरूरी है। दोस्तों, इसके बाद जो अगला सवाल है वो ये है कि एक बार अगर मैं जियो प्राइम मेंबर बन गया तो उसके बाद क्या मुझे हर महीने 303 रुपए देने पड़ेंगे गारंटी के साथ। जी नहीं दोस्तों, ऐसा भी कुछ आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप जितना चाहें उतना आप रिचार्ज करवा सकते हैं। बहुत सारे यहाँ पे तरह तरह के प्लान अवेलेबल हैं, अलग अलग सबकी वैलिडिटी है, एक दिन का प्लान है, 3 दिन का है, 7 दिन का, 28 दिन का, 60 डे, 90 डेज, एक साल तक के प्लान यहां पे दोस्तों अवेलेबल है। आप जो चाहें वो रिचार्ज करवाएं। आप हो सकता है कि अप्रैल के महीने में रिचार्ज करवाएं 149 का, आप मई के महीने में चले जाएंगे 499 के ऊपर, आप जून में जाके आते हैं वापस 303 के ऊपर। तो यहां पे बहुत सारे तरह तरह के आपके पास में ऑप्शंस हैं, आप जो चाहें वो रिचार्ज करवा सकते हैं। बस आपको आपकी वैलिडिटी का ख्याल रखना है और आप बदले में जो डेटा सर्विसेज हैं या फिर जो आपको मिलती है कॉलिंग, आप उसको यूज कर पाएंगे बड़े आराम से। कोई कंपलसरी नहीं है कि आपको रिचार्ज करवाना ही करवाना है। दोस्तों, इसके बाद में एक और सवाल जो है वो ये है कि अगर आप जियो प्राइम मेंबर
बन जाते हैं तो क्या आप उसके बाद में अप्रैल से ही रिचार्ज करना आपके लिए कंपलसरी है? जी नहीं दोस्तों, यहाँ पर आपके पास में 90 दिन की लिमिट है कि अगर आप 90 दिन के अंदर कोई रिचार्ज नहीं करवाते हैं तो आपका जो सिम है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, लेकिन तब तक उन 90 दिनों तक आप इनकमिंग कॉल्स को यूज कर पाएंगे, आउटगोइंग तो आप वैसे भी नहीं कर पाएंगे। दोस्तों यहाँ पर जो इसका अगला सवाल है वो ये है कि जो बाय वन गेट वन ऑफर है वो क्या चीज़ है? तो देखिए यहाँ पर दोस्तों ये प्राइम मेंबर्स के लिए एक स्पेशल ऑफर है जहाँ पर अगर आप 303 रुपये का रिचार्ज करवाते हैं या फिर अगर आप यूज़ करते हैं 499 वाला रिचार्ज तो आपको जो डेटा बेनिफिट्स मिलते हैं स्टैंडर्ड्स, उसके अलावा कुछ और एक्स्ट्रा एड ऑन मिलता है डेटा के रूप में जो कि है फ्री 5GB या फिर 10GB, तो ये ऑफर भी सिर्फ प्राइम मेंबर्स के लिए ही है। तो सुनो अगला सवाल है वो ये है कि क्या हमें हमारा नंबर जो कि आप एयरटेल का हो सकता है, आइडिया का हो सकता है, वोडाफोन हो, बीएसएनएल हो, एयरसेल वगैरह हो, क्या उसको जियो में पोर्ट करवाना चाहिए? दोस्तों मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये है कि आप अपने किसी भी प्राइमरी नंबर को जियो में फिलहाल के लिए पोर्ट मत करवाइए। मैं जब इंडिया में था पिछले एक हफ्ते करीब तो मैंने जियो के सिम को यूज़ किया, डेटा जो था वो मैंने कभी कभी यूज़ किया, इतना मैंने ज़्यादा यूज़ नहीं किया, मेरे पास वाईफाई का ऑप्शन था, लेकिन जो कॉल्स थी मैं जब भी ट्राई करता था तो कम से कम 5 से 6 बार में एक बार कॉल लगता था। दोस्तों मेरी नज़र में जो नेटवर्क है वो आज के डेट में इतना स्टेबल नहीं है, हम उम्मीद करते हैं कि आगे जाकर स्टेबल बन जाएगा, लेकिन फिलहाल के लिए आप अगर अपने प्राइमरी नंबर को बिना पोर्ट करवाए यूज़ करते हैं सेकेंडरी सिम की तरह जियो को, तो वो एक अच्छी चीज़ है। आगे चल के जब आपको लगता है सब कुछ ठीक है तब जाके आप डेफिनेटली अगर चाहें उसको तो मोबाइल नंबर को पोर्ट करवा सकते हैं। दोस्तों अगला सवाल है वो है एयरटेल, आइडिया और वोडाफोन के तरह तरह के प्लान्स आए हैं उनको लेके। तो जी हाँ दोस्तों जो प्लान्स हैं वो काफी अच्छे हैं, अगर आपको वो प्लान मिलता है, आपके आगे समझ है कि आपको एयरटेल यूज करना है या फिर जियो यूज करना है, तो आप जो चाहें वो प्लान यूज कर सकते हैं। यहां पे ऐसा लाइक अगर आप कंपेयर करेंगे सैटरडे तो डेफिनेटली जो जियो के प्लान्स हैं वो बेहतर हैं, लेकिन एयरटेल के प्लान्स भी अच्छे हैं और आगे चल के आपको बहुत सारे और तरह तरह के प्लान्स मिलेंगे, जियो में भी आपको शायद आगे और ऑप्शन मिल जाए, तो आगे आपके लिए पूरी वैरायटी है, आप जो चाहे वो चूज कर सकते हैं, जो आपको लगता है कि आपके पैसे की पूरी वैल्यू देता है। लेकिन पर्सनली मैं जियो प्राइम मेंबर के बनने के बाद में आपको रिकमेंड ये करूंगा कि आप कम से कम 303 रुपए का जो प्लान है वो लीजिए, जहां पे एटलीस्ट जो आपको आदत आज लगी हुई थी रोज 1GB डेटा की वो आपको मिलती रहे, आगे आपको रोजाना का 1GB डेटा मिलता रहे, और उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप 499 का प्लान भी ले सकते हैं जहां पे आपको मिलेगा रोज का 2GB डेटा। दोस्तों इसके अलावा ये एक सवाल है कि जो रात को मिलता है 2 से 5 तक जियो में अनलिमिटेड आज तक, वो क्या आगे भी मिलेगा? तो जी नहीं दोस्तों, आगे इसको लेके कोई भी ऑप्शंस नहीं है, जो भी आपको डेटा मिलने वाला है वो 24 घंटे के लिए एक समान है, ना दिन का फर्क है ना रात का फर्क है, आप जो जैसे यूज करते हैं वैसे यूज करेंगे, रात में अनलिमिटेड डेटा के लिए कोई भी विंडो नहीं है। दूसरा अगला सवाल है वो है लाइफ फोन्स के लिए, आईफोन का जो ऑफर था उसके लिए या फिर जो लाइफ वाले जो आपके जियो वाले हैं जियो 5 डिवाइसेस उनके लिए। तो यहां पर दोस्तों आपके पास में डिवाइस कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, अभी सब सेम बन चुके हैं, आपको प्राइम मेंबरशिप लेनी है तो लीजिएगा, नहीं लेनी तो मत लीजिएगा, जो बेनिफिट्स हैं वो सबके लिए बिल्कुल सेम है। ऐसा नहीं है कि आपको आईफोन में कुछ अलग बेनिफिट्स मिलेंगे, जियो 5 में कुछ अलग मिलेगा, लाइफ फोन में कुछ अलग मिलेगा, सब कुछ बिल्कुल स्टैंडर्ड है, सबके लिए सब कुछ एकदम बिल्कुल सेम है। दोस्तों बस यही था एक छोटा सा वीडियो जियो प्राइम के बारे में, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। एक बार वापस से आपको बता देता हूं कि कभी भी किसी और एक्स्ट्रा वेबसाइट पर मत जाइए, डिटेल्स वहां पर मत डालिए, जियो प्राइम को एक्टिवेट आप खुद से कर सकते हैं, बड़े आसान यहां पर ऑप्शन है, माई जियो, जियो मनी, jio.com या फिर जियो स्टोर पर जाके आराम से, आपके उसमें टाइम है 31 मार्च तक का, जियो प्राइम मेंबर बनेंगे तो काफी अच्छी बात है, उसके बाद में जो चाहे आप वो प्लान्स लीजिए और उसके बाद में बड़े ही आराम से डेटा को और कॉल्स को यूज कीजिए। आई थिंक द स्पीड ऑफ द जियो विल इंक्रीज एज टूडे द यूजर्स आर सो मेनी सो द सिग्नल डिवाइड इन टू देम एंड एज रिजल्ट स्पीड विल वी हैव इट स्लो डाउन एंड द स्पीड विल इंक्रीज एज मेनी यूजर विल क्विट। So now I am telling you how to subscribe it. There are 3 ways to subscribe it. First, go to authorized store of the Jio and buy from there. Second, go to my Jio app, click on Jio Prime membership and fill your service you want to pay 99 rupees like credit card, net banking, debit card. Third, go to Jio website and pay your 99 rupees from there.